साथ चल के घूमते हैं ये बस तो जी बाजार में पहुंचते साथ ही एंटर होते यहाँ पे बहुत ज्यादा गलियाँ हैं आप किसी भी गली से एंटर हो जाए लेकिन हम हमेशा इस गली से एंटर होते हैं और यहाँ पे एक दो समोसे वाले शॉप्स भी हैं तो वीडियो बनाने के साथ साथ बाजार में आने का मकसद कुछ चीजें लेना भी है तो यहाँ पे पहले हम पहुंच गए हैं अलमुस्तफ़ा क्लॉथ हाउस में और यहाँ पे आपको एंड क्लास की बहुत अच्छी वैरायटी की बेडशीट्स मिलेंगी प्राइसेस भी इनकी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल भी होती हैं और इनका फैब्रिक क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है उसके अलावा मेन पॉइंट ये कि इनकी चादर जो है वो फेड नहीं होती ब्रांड्स का तो आप सबको ही पता है कि आजकल क्या चल रहा है इनकी प्राइसेज स्काई हाई हो गई हैं और बस लोगों को लूटने का एक ज़रिया है तो अगर हमें कहीं और से अच्छी बेड मिल रही हैं जिनकी क्वालिटी भी टॉप नॉच है उनकी कलर रेंज भी अच्छी है एंड वन लास्ट थिंग कि वो फेड भी नहीं होती तो हम क्यों ना उनको ट्राई करें तो जी यहाँ से तो हमारी खरीदारी बहुत अच्छी हो गई और इसके बाद और भी काम है तो वो भी साथ साथ हम करते चलेंगे शॉप से निकलते साथ ही मैंने ये पर्सेज का एक स्टॉल देखा तो बहुत अच्छी यहाँ पे मुझे लगी पर्सेज और इनकी प्राइस रेंज के हिसाब से मुझे ये मुनासिब लगी और ऐसे स्टॉल या आपको शॉप पर्सेज के पूरे जो है बाजार में मिलेंगे तो आप कहीं से भी देख सकते हैं बार्गेन भी कर सकते हैं उस हिसाब से फिर जी इस बाजार में बहुत ज्यादा आपको कपड़ों की शॉप भी मिलेंगी और हर तरीके की क्वालिटी के हर इवेंट uh, के हिसाब से आपको यहां पे कपड़े मिलेंगे तो जी ये मैंने दो तीन शॉप्स आपको दिखाए कि ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यहाँ पे किस तरीके के कपड़े अवेलेबल हैं। इसके अलावा है। ब्राइडल वेयर भी यहाँ पे दस्तियाब तो है वो भी आप चेक कर सकते तो हैं फिर जी बारी आ जाती है होम डेकोर और ऐसे शो पीस वगैरह की तो ये आप देख ही सकते हैं कि कितना बड़ा शॉप है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आपको यहाँ पे डेकोर पीसेस मिलेंगे जैसे कि ये बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे इन पर्सन में भी और आप अंदर पूरा शॉप भी चेक कर सकते हैं प्राइसेस आप जो है इनके साथ बार्गेन भी कर सकते हैं उसके अलावा जी ये स्टूल्स अवेलेबल हैं आप चाहें तो इनको कस्टमाइज भी करवा सकते हैं और आजकल बहुत ज्यादा इन भी है ये और जी फिर ये है फुल साइज मेर आप इंस्टाग्राम की रील्स बना ले या वैसे आप अपने पिक्चर लें तो उसके लिए भी ये काम आ सकता है फिर जी घर की छोटी छोटी चीजें भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी जैसे की ये मेरी अम्मी ने डोर स्टॉपर लिए अम्मी को कहीं से नहीं मिल रहे थे यहाँ पे उन्होंने देखा तो फॉरन से बाय कर ली उसके अलावा आपको घर की यहाँ पे और भी चीजें मिल जाएंगी जैसे की ये किचन वेयर भी अवेलेबल है काफी छोटे स्टॉल्स भी लगे होते हैं बड़े बड़े शॉप्स भी हैं तो वो भी आप चेक कर लीजिए टॉयज तो के भी यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं शॉप्स होते हैं तो यहाँ पे इस टॉय शॉप पे मुझे एक टॉय बहुत पसंद आया अपने बेटे के लिए जो एज अप्रोप्रिएट भी हो तो मुझे यही एक अच्छा लगा जो उसको जो अट्रैक्ट भी करे जिसके साथ वो खेले भी तो ये बस एक छोटा सा मैंने टॉय लिया उसके लिए ये इतना क्यूट होता है ड्रमर इसके बाद जी हम आगे हैं अपना दूसरा काम निपटाने के लिए और यहाँ पे मेरी अम्मी आई हैं अपने कपड़ों की लेसेस लेने के लिए तो हम यहाँ से ही हमेशा लेस लेते हैं आप चाहें तो कहीं से भी ले सकते हैं ये भाई हमें बिल्कुल मुनासिब रेट्स में देते हैं और ऑप्शन पे इनके पास काफ़ी अच्छे होते हैं तो ये हमें चेक करवा रहे थे कौन सी अच्छी लग रही है थी लेसेस की ख़रीदारी और ऑलमोस्ट ये हो गई है फिनिश अब इसके बाद हम जाएंगे किसी और शॉप पे और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको दूसरी वैरायटी के कपड़े ये आप लेके खुद भी बनवा सकते हैं और इनके पास कटदाना वर्क के कपड़े की बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी है और आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि दूसरे कपड़े भी आप ले कर डाई करवा सकते हैं थोड़े से प्राइस ही होंगे क्योंकि इनका कपड़ा जो है वो बहुत अच्छा होता है तो हम कोई भी ऐसी चीज हो तो यहाँ से लेके इन्हीं से ही डाई करवा लेते हैं तो यहाँ पे मेरी मम्मी को एक दो जो है दुपट्टे लेने थे मैचिंग में तो ये कपड़ा बहुत अच्छा लगा उनको। आप कहीं से भी ले, ले बार्गेन आप कर सकते हैं और ऐसे शॉप्स आप बाजार में बहुत सारे देखेंगे फिर जी हम आ गए हैं दूसरे शॉप पे और यहाँ पे भी मेरी सिस्टर को कपड़ा चाहिए था दुपट्टे के तो कम बजट वाले दुपट्टे हैं जी इसी शॉप से बाहर निकलते साथ ही ये एक स्टॉल लगा हुआ है और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि कितने अच्छे अच्छे वेराइटी के शूज अवेलेबल हैं और ये आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडी भी हैं आजकल लड़कियों को बहुत पसंद भी होते हैं अब हम हाँ आ गए हैं पीको की शॉप पे और यहाँ पे बहुत ज्यादा पीको की शॉप भी हैं आप अंदर गलियों में चले जाए या बाहर भी ये मशीन लेके बैठे हुए होते हैं तो हमें जो भी करीब नजर आया हमने उनको पीको के लिए दुपट्टे दे दिए और जी उसके अलावा आपको यहाँ पे खुस्सों की तो बहुत अच्छी वेरायटी मिलेगी आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे एक से बढ़कर एक खुस्सा अवेलेबल है डिफरेंट फ्लैट्स और सेंडल्स भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी और ये मैंने एक दो जो है फ्लैट्स ट्राई की और इनमें से मैंने गोल्डन वाली ली क्योंकि इसमें मेरा साइज़ नहीं था फिर जी यहाँ पे आपको ज्वेलरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेगी डिफरेंट वैराटी की ये आजकल जो मॉडर्न ज्वेलरी है वो है प्राइसेस भी इनकी काफ़ी रीज़नेबल होती हैं अगर आप यही चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी और यहीं पे ही एक स्टॉल है स्टफ़ टॉयज़ का तो ये मैं देख रही थी इतने क्यूट क्यूट स्टफ टॉयज थे और ये भाई जो है आ, दूसरे कस्टमर्स को दिखा रहे हैं मतलब एक से बढ़कर एक है हाँ वो अलग बात है कि आप को जो है साफ होंगे कि नहीं होंगे और किस तरीके के हैं तो उसकी श्योरिटी नहीं है लेकिन अगर आप ले भी तो हमेशा दो अच्छे तरीके से फिर अपने बेबी को दे सकते हैं जी ये निम्को का स्टॉल देख तो मुझे अपना बचपन ही याद आ गया क्योंकि ये चीज़ें हम बचपन में बहुत ज़्यादा खाते थे उसके बाद इस शॉप ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया और यहाँ पर जो स्लिपर्स हैं बहुत ही क्यूट इंटरेस्टिंग और आजकल के जो है मॉडर्न स्टाइल की थी और ये आप चेक ही कर सकते हैं कितनी जबरदस्त अलग अलग डिजाइन में अवेलेबल है और इसके अलावा शूज की भी बहुत अच्छी वेरायटी यहाँ पे अवेलेबल थी तो काफी अच्छा लगा मुझे फिर जी अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे अंदर एक गली में जहाँ पे हमारा अक्सर आना जाना रहता है तो यहाँ पे ये अबाया की शॉप है और यहाँ पे आपको डिफरेंट ऐसे चार्जर्स भी मिलेंगी तो ये भी आप चेक कर सकते हैं तो अंदर गली में आपको ब्राइडल वेयर ज्वेलरी और दूसरे किस्म की ज्वेलरी भी मिल जाएगी ये आपने देखा जैसे सिंधी दोहरी स्टाइल की रिंग मुझे बहुत अच्छी लगी और इसके अलावा बेंगल्स और दूसरे किस्म की भी ज्वेलरी यहां पे दस्तियाब है तो जी ये वो शॉप है जहाँ से मैंने अपनी शादी का ब्राइडल सेट लिया था और मुझे बहुत रीज़नेबल पड़ा था और ये आप देख सकते हैं कि सिंधी स्टाइल की और दूसरे और भी स्टाइल्स की बहुत अच्छी अच्छी इस शॉप पे ज्वेलरी अवेलेबल है अब आ जाते हैं बच्चों के शॉप्स तो यहाँ पे बच्चों के भी खूब अच्छे अच्छे शॉप्स हैं जहाँ पे आपको अच्छी वेराइटी के कपड़े मिल जाएंगे जैसे कि आपने देखा फ्रॉक्स बहुत अच्छी हैं अवेलेबल और दूसरा ये छोटा सा शॉप था यहाँ पर मेरी अम्मी जो है मेरे बेबी के लिए थोड़ा सा कुछ ले रही थी काम की चीज़ तो ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ इस बाजार में आपको गोल्ड की ज्वेलरी भी मिल जाएगी तो इस गली में बहुत सारे गोल्ड की शॉप्स भी हैं और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं और यहाँ पे मेरी अम्मी जो है वो चांदी की ज्वेलरी देख रही थी उनको बहुत अच्छी लगती है चांदी भी अच्छा तो हम गली से बाहर आ गए हैं और यहाँ पे ग्लासेस भी हमने देखे बहुत अच्छे अच्छे हैं और जी ये फ्रेम्स में आप अपने आई साइड की ग्लासेस भी डलवा सकते डलवाह हैं। निकलते हैं हमें कुछ और चीज़ नजर आ गई अपने बेबी के लिए तो हमने वहाँ से वो भी थोड़ा सा बाय कर लिया और जी वहीं पर एक भाई ने एक स्काफ़ का स्टॉल लगाया हुआ है और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्का्फ जैसे कि मेरी सिस्टर्स पहनती हैं यूनिवर्सिटी गोइंग है अगर आप स्का्फ पहनती हैं तो ज़रूर यहाँ पे चेक कीजिएगा आपको इसके अलावा कहीं और भी मिल जाएंगे इस बाजार में और ये बहुत अच्छे अच्छे, अच्छे डिज़ाइंस में स्काफ अवेलेबल थे यहाँ पे भी अच्छा तो हमारा काम बिल्कुल ही हो चुका था और बस हम निकल ही रहे थे कि चलते चलते मुझे ये स्टॉल नज़र आ गया और स्टॉल पे इतने अच्छे अच्छे कपड़े और बहुत अच्छी डिज़ाइंस में अवेलेबल थे तो जब प्राइस पता किए तो बिल्कुल ही अनबिलीवेबल था मेरे लिए क्योंकि ये सारे सूट सूट आपको सिर्फ थाउजेंड रुपीज पड़ेगा सो एज आई एम नॉट अ ब्रांड कॉन्शियस पर्सन तो मुझे यहाँ पे डिजाइन अच्छे लगे तो मैंने तो भाई अपने लिए एक दो सूट ले लिए और इसके अलावा मेरी बहनों ने भी अपने लिए लिए क्योंकि अगर आप ज्यादा बाहर ना भी पहने तो घर के लिए या वैसे ही अंदर बाहर हल्का फुल्का आप ये कपड़े पहन सकते हैं और प्राइस इसकी जस्टिफाइबल है अगर आप थोड़ा टाइम भी इसको निकाल लें तो और इन भाई के पास बहुत अच्छी अच्छी वेराइटी में बहुत अच्छी डिजाइन में सारे कपड़े अवेलेबल थे तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमने बहुत अच्छी शॉपिंग की यहाँ से तो ये जी हमारा हो गया है काम बिल्कुल पूरा तो जी बस अब हमारी है घर जाने की तैयारी और बस एंड में हमने यहाँ से समोसे लिए अगर आप चाहें तो अंदर बैठ के भी खा सकते हैं लेकिन हमने बस टेक अवे किया तो जी ये थी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखें मुझे दुआ में याद अल्लाह हाफिज